फुर्सत में हूं आपके साथ शरद बाघेला। छत्तीसगढ़ की दंतेवाड़ा विधानसभा सीट पर मतदान शुरू हो गया है। नक्सलवाद प्रभावित सीट पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोट डाले जा रहे हैं। बुलेटिन में सबसे पहले खबर दंतेवाड़ा उपचुनाव से जुड़ी हुई। दंतेवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया। उपचुनाव में 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इनके भाग्य का फैसला क्षेत्र में 1,88,624 मतदाता करेंगे। नक्सल इलाके में सुरक्षा व्यवस्था के लिए करीब 18,000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही जंगली क्षेत्रों में ड्रोन से नजर रखी जा रही है। मतदान दोपहर 3 बजे तक चलेगा और आपको बता दें कि यहां कांग्रेस से बीजेपी के बीच ही दिलचस्प मुकाबला होने की बात है और सीपीआई और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस भी चुनावी मैदान में पूरे दमखम के साथ जुटी हुई है। इलाके में सीपीआई के साथ बसपा और आम आदमी पार्टी भी अपने परंपरागत वोटों के साथ मैदान में मजबूती से डटी हुई है। चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की 60 कंपनियां यहां पदस्थ की गई है। नक्सली मूवमेंट पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। सुरक्षा के लिए वर्दी और सादी वर्दी में लोग तैनात किए गए हैं और साथ ही मतदान दल केंद्रों पर ड्रोन से नजर रखेंगे और शनिवार से ही ड्रोन जिले के चिन्हित इलाकों में उड़ान भर रहे हैं। आपको बता दें कि आज वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है और दंतेवाड़ा में उपचुनाव को लेकर तमाम तरह की जो मतदाता है वो पहुंचना शुरू हो गए हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक जो चुनाव हो रहा है ये सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो इस चुनाव के लिए कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच बता रहे हैं। और हालांकि आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी इस चुनावी मैदान में है और साथ में देखने वाली बात ये होगी कि इस सीट पर कौन कब्जा जमा पाता है। आपको बता दें कि उपचुनाव में तकरीबन 1,88,000 वोटर्स हैं जो इन उम्मीदवारों का फैसला करेंगे। आपको बता दें कड़ी सुरक्षा के बीच दंतेवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी और जो वोटिंग है वो 3 बजे तक चलेगी और यहां 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है जिनके भाग्य का फैसला 1,88,624 मतदाता करेंगे। मुख्य मुकाबला कांग्रेस की देवती कर्मा और बीजेपी की ओजस्वी मंडावी के बीच रह रहा है और आइए नजर डालते हैं दंतेवाड़ा उपचुनाव की राजनीतिक परिस्थितियों पर। दंतेवाड़ा उपचुनाव का परिणाम छत्तीसगढ़ की सियासत में नए समीकरण तय करेगा। बस्तर संभाग की 12 विधानसभा सीटों में से एकमात्र दंतेवाड़ा ही वो सीट है जो बीजेपी के खाते में आई थी। अगर उपचुनाव में भी वो हारती है तो बस्तर से उसका सफाया हो जाएगा। उन्हें कांग्रेस के सामने सरकार की साख बचाने जैसी चुनौतियां हैं। विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीती कांग्रेस के वोटों का ग्राफ कुछ महीने बाद ही लोकसभा चुनाव में खिसक कर नीचे आ गया है। अब अगर कांग्रेस उस सीट पर हारती है तो विपक्ष उसे भूपेश सरकार के कामकाज के जन मूल्यांकन के तौर पर पेश कर सकता है। कांग्रेस ये भी नहीं कह सकती कि बीजेपी को विधायक भीमा मंडावी के निधन से उपजी सहानुभूति की लहर का लाभ मिला है क्योंकि वो खुद महेंद्र कर्मा के निधन के बाद उनकी पत्नी देवती कर्मा को चुनाव में उतार कर ये प्रयोग पहले ही कर चुकी है। यहाँ के चुनावी समीकरण को समझने के लिए पिछले चुनाव के परिणाम देखें तो 2013 में कांग्रेस की देवती कर्मा ने भाजपा के भीमाराम मंडावी को 5,987 वोटों से हराया था जबकि 2008 के चुनाव में भाजपा के भीम मंडावी ने कांग्रेस के मनीष कुंजाम को 12,008 वोटों के अंतर से मात दी थी। इससे पहले 2003 में कांग्रेस के महेंद्र कर्मा ने सीपीआई के नंदा राम सोरी को 4,937 वोटों से मात दी थी। इस तरह देखें तो यहां चुनावी परिणाम लगातार बदलते रहे हैं। इस बार ये कैसे होंगे ये देखने लायक होगा।
और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है दंतेवाड़ा से, जहां पर तुकमपाल 176 पोलिंग बूथ पर पीटासीन अधिकारी की सुबह मौत हो गई। ऐसा माना जा रहा है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। चंद्रपाल ठाकुर नाम के एसपी पल्लव ने इस बात की पुष्टि की है। पीटासीन अधिकारी की मतदान के दौरान मौत हो गई, मतदान केंद्र में उनकी मौत हुई और हार्ट अटैक से पीटासीन अधिकारी की मौत हुई है। इससे की बड़ी खबर, तुमकपाल पोलिंग बूथ पर यह घटना है और पीटासीन अधिकारी का नाम चंद्रपाल ठाकुर है और इसकी पुष्टि एसपी पल्लव ने की है। यानी कि मतदान के दौरान जो पीटासीन अधिकारी है, आज सुबह उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। आपको बता दें सबसे बड़ी खबर आ रही है दंतेवाड़ा से, जहां पर पीठासीन अधिकारी को हार्ट अटैक के चलते मौत हो गई और चुनाव की ड्यूटी में वो तैनात थे। और आपको बता दें कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई और पूरा मामला तुमकपाला पोलिंग बूथ का है और जो अधिकारी है उनका नाम चंद्रपाल ठाकुर है जिनकी मौत हुई है। और हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए पंकज सिंह भदौरिया जुड़ चुके हैं दंतेवाड़ा से। पंकज, एक सुबह सुबह ड्यूटी की बात करें तो पीठासीन अधिकारी की मौत हो गई है और ये बताया जा रहा है कि उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई है, क्या कुछ पूरा अपडेट आपके पास अभी? जी हाँ बिल्कुल, सुबह सुबह खबर निकल करके आई है। ये जो पीटासीन अधिकारी है कटे कल्याण थाना क्षेत्र के तुमकपाल गांव में इनकी ड्यूटी लगी हुई थी, पोलिंग बूथ इनका 73-74 ऐसा कुछ बताया जा रहा है। चंद्रकांत ठाकुर इनका नाम था और इनकी हार्ट अटैक से मौत बताई जा रही है जी। हालांकि उस वक्त मतदान शुरू नहीं हुआ था, मतदान से पहले इनकी मतलब हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। साथ साथ में आसपास के इलाके में जो इस समय वोटिंग का देखा जा रहा है तो ग्रामीण काफी मात्रा में निकल करके आ रहे हैं, बड़ी संख्या में तादाद लगी है। सवेरे से मतदाता पोलिंग बूथों में जमा हो गए हैं और इस समय हम फरस पास में खड़े हैं, जो कांग्रेस प्रत्याशी देवती कर्मा है उनकी वोटिंग को देखने के लिए खड़े हैं। वो पूजा पाठ करके निकली हुई है यहाँ पर जी। अपनी वोटिंग के लिए और अभी तक कोई नक्सल से जुड़ी कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं आई है। सभी जगह फिलहाल यहाँ पर मतदान अच्छे शांतिपूर्ण ढंग से इस समय तक चल रहा है। चलिए पंकज, आप इस पूरे मतदान प्रोसेस पर नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे समय समय पर अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे सुनने के लिए। दंतेवाड़ा में शांतिपूर्वक चुनाव कराना किसी चुनौती से कम नहीं है। बस्तर का यह इलाका लाल आतंक यानी कि नक्सलवाद का देश में सबसे बड़ा गढ़ है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहां यह चुनाव ही नक्सली हमले में स्थानीय विधायक की मौत होने के बाद हो रहा है। ऐसे में जानना लाजमी है यहाँ भय और हिंसा रहित चुनाव के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ ही नहीं देश के सर्वाधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। यहाँ आए दिन नक्सली आम जनता और सुरक्षा बलों को घेरते रहते हैं, इस लिहाज से यहाँ भय रहित चुनाव कराना भी कम चुनौती नहीं है। क्षेत्र में मतदान के लिए 273 मतदान केंद्रों की स्थापना की गई है, जहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। सुरक्षा बलों के 18,000 जवानों को तैनात किया गया है, इसमें बड़ी संख्या में केंद्रीय बलों के जवान भी शामिल है। ये उपचुनाव के लिए 7,000 केंद्रीय बलों को भेजा गया है। क्षेत्र में अर्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस के 11,000 जवान यहाँ पहले से मौजूद हैं। ये जवान लगातार अभियान में जुटे हैं। नक्सलियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन का भी सहारा लिया जा रहा है। क्षेत्र में नक्सली 21 से 27 सितंबर के मध्य स्थापना दिवस मना रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में सुरक्षा बलों को सतर्क कर दिया गया है। इंद्रावती से लगे जिस इलाके में नक्सलियों का सर्वाधिक प्रभाव, वहां के मतदान केंद्रों को दूसरी जगह सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। और दंतेवाड़ा उपचुनाव को लेकर हमारे साथ बातचीत के लिए दंतेवाड़ा से सीधे लाइव जुड़ चुके हैं रुपेश गुप्ता सौरा संवाददाता। हम रुपेश से जानते हैं आखिरकार अभी की बात की जाए तो अभी क्या कुछ स्थिति चल रही है और उस चुनाव को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं भी चल रही है कि एक ऐसा इलाका जहां पर हमेशा लाल आतंक का खतरा बना रहता है, ऐसे में यदि बात की जाए तो अभी की स्थिति क्या कुछ देखने को मिल रही है रुपेश? देखिए, हम इस वक्त फरसपाल के मतदान केंद्र पर हैं, वो मतदान केंद्र जहां पर देवती कर्मा वोट डालने आएंगी और देवती कर्मा
दंतेवाड़ा में जो मंदिर है दंतेश्वरी देवी का, वहां पे पूजा अर्चना कर रही हैं, करने के बाद निकल चुकी हैं और रास्ते में हैं। इस बीच उनके बेटे छविंद्र कर्मा यहां पर वोट डालने आए हुए हैं। जी रूपेश अभी की बात की जाए, अभी क्या कुछ हालात देखने को मिल रहे हैं? हम बात करें यदि देवकी कर्मा की, तो वो मंदिर में दर्शन करने के बाद कुछ ही देर बाद वो पोलिंग बूथ पर भी पहुंचने वाली है। और बाकी वहां के माहौल की बात करें, क्योंकि जिस तरह हम बात करते हैं कि जिस तरह का जो इलाका है उसको लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जाते हैं, ऐसे में जो लोगों का रुझान है चुनाव को लेकर वो कितना देखने को मिल रहा है? दंतेवाड़ा है कर्मा परिवार का, लगातार यहां से उनके पिता जब हमने कहा था उस दौरान में बाकी माइनस पर, लेकिन हमने उसके बाद आपसे बात किया कैनवासिंग के दौरान पे कि उस गड्ढे को पार कर हम लोग आगे बढ़े। देखिए अभी फिलहाल जो है छविंद्र कर्मा मतदान केंद्र के निकले हुए हैं और छविंद्र कर्मा से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि छविंद्र कर्मा आखिर क्या उम्मीद रख रहे हैं इस चुनाव से, क्योंकि काफी टफ मुकाबला उम्मीद की जा रही है और इसी के जरिए वो वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं और अभी उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं, क्योंकि उनका एक महत्वपूर्ण बयान आया था जो बहुत दिलचस्प बयान था कि कांग्रेस 10,000 वोट से पीछे उसको पाटना पड़ेगा। तो अभी की स्थिति में क्या है, क्या कुछ बयान करते हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। और मेरा मानना है कि कोई भी हो, कोई भी सत्ता में आए, कोई भी पावर में बैठे, हम लोग जिन जो जनता हमको चुनती है, हमको 5 साल उसी जनता के लिए काम करना होता है। तो मैं समझता हूँ कि जनता के लिए जब काम करना है, जनता के द्वारा चुना जाता है, तो उनके बीच में रहना चाहिए। जी, तो बीजेपी नहीं रही है कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं रही है। आपने देखा भी है कि वो अब वो दावा कर रहे हैं कि बीजेपी जो है वो कमजोर हो चुकी है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि असल में वो जी जिसका परिणाम है कि आप लोगों ने देखा हमारे मतलब चमत्कार। छविंद्र कर्मा जी, आपने वोट डाल दिया है, क्या उम्मीद है आपको? हाँ नहीं, हम लोग तो ये सीट निकल रही है हमारी, हम जीत रहे हैं और राउंड से तो मुझे ऐसा लगता है कि 15 से अबव में हम जीतेंगे। बीच में ये चर्चा थी कि आपने कहा कि बड़ा गड्ढा है जिसको पाटना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, हमने कहा है, मैं आज भी कायम हूँ उस बात पे कि हमने जो लोकसभा में 7 से 8 हजार का हमारा गड्ढा था और 2200 के लगभग हमारा विधानसभा का गड्ढा था, राउंड फिगर हमारा 10 हजार का गड्ढा रहा है, जिसको हम लोगों ने 3 दिन पहले तक उस गड्ढे को पाट के हम आगे निकल गए। तो क्या उम्मीद है कि आपकी माँ जो है वो जीत जाएंगी चुनाव? हाँ, हमने वही बताया ना कि हम लगभग, मुझे ऐसा लगता है कि इस इलेक्शन में जिस प्रकार जनता का सहयोग मिल रहा है और वोटिंग भी, मैंने अभी कई जगहों पे मैंने फोन के माध्यम से बात भी करा तो बता रहे थे 100 से ऊपर अभी तक, मतलब 1 घंटे में ही 100 के पार कर गए हैं ऐसा बता रहे थे, गांव में वो भी इंटरियल में। तो उससे ऐसा लग रहा है जो उत्सुकता है, और सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार है और सरकार ने जो इस 8 महीने में जितने कार्य किए, मैं समझता हूँ कि उतने 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ बोलने में विश्वास रखा है, तो वो चीजें भी हमारे लिए बहुत प्लस का काम करेगी। मतलब किन इलाकों से आप जैसे बोल रहे हैं कि फोन पे बातचीत? अभी मैंने हमारे मुस्तला छिन्नार वगैरह में लगातार संपर्क कर रहा था मैं, तो उधर पे बता रहे थे कि सुबह 7 बजे से ही हम लोगों ने मतलब हमारे यहाँ वोटिंग चालू हुआ है और अच्छी वोटिंग हो रही है। अच्छा, तो इन इलाकों से आपको उम्मीद है कि आपकी पार्टी को वोट मिले? हाँ, मतलब राउंड फिगर मतलब अपन अगर बात करेंगे पूरा अराउंड दंतेवाड़ा की तो बहुत अच्छी स्थिति है कांग्रेस की। जी, अच्छा, क्या सरकार के कामकाज के बूते आपको वोट पड़ रहे हैं या कोई और भी मसले? देखिए, सरकार का कामकाज हमारा मतलब आप कह सकते हैं कि 15 साल में आप सिर्फ शहरों का ही विकास किया है, गांव पे देखेंगे ग्रासरूट लेवल पे जो
किसान है, गरीब है, जिनके पास मतलब जैसे नौजवान है उनके पास रोजगार भी नहीं है, ये सारे चीजें बहुत सारे मुद्दे हैं ऐसे जो काम कर गई है। अच्छा, आपकी माता जी कब वोट करने हैं? अभी बस आती हैं वो भाई। बहुत बहुत शुक्रिया उनसे बातचीत करने के लिए। तो ये छविंद्र कर्मा जो जीत का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं शुरुआती जो बातचीत उन्होंने की है, जो रुझान उनको मिले हैं उसके मुताबिक उनकी पार्टी जीत रही है और जीत का श्रेय उन्होंने सीधे सीधे अगर पार्टी जीतती है तो उसका श्रेय सरकार को देंगे। मतलब ये चुनाव कहीं ना कहीं 15 साल वर्सेस 9 महीने का होने जा रहा है, ऐसा छविंद्र कर्मा का कहना है। रुपये सब एक चीज जाना चाहेंगे, यहाँ लोगों की उत्साहित भीड़ दिख रही है और काफी लोग भी वोट डालने के लिए आए हैं, तो क्या माना जाए जो सुबह का एक टाइम है उस दौरान कितने लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है, यानी कितना रेशो माने के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं? उस दौरान बहुत सारी कमियां रही है जिनको हम लोगों ने हासिल किया है और इस इलेक्शन में हम समझते हैं कि मार्जिन देखना है। मतलब आपको लगता है कि 2013 के देखिए छत्तीसगढ़ में ग्रामीण इलाकों में ये ट्रेंड रहा है कि जो ग्रामीण इलाके में वोटिंग सब पहले कर लेते हैं और शुरुआत में हमको लंबी लाइनें नजर आती हैं, क्योंकि मौसम बहुत फेवरेबल है, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ रही है, बारिश हुई है, लेकिन इसकी वजह से भीड़ यहाँ पर जुट रही है और ये तमाम वोटर्स जो है वो आ रहे हैं। आपने वोट डाल दिया? आप हिंदी बोलती हैं? हिंदी वाला कोई है यहाँ पे? अच्छा, आप लोग कब से खड़े हैं यहाँ पे लाइन में? वोट डाल दिए हैं सर। वोट डालने आए हैं जी? तो कब से लाइन में लगी हैं? हम अभी तो 8 बजे से। 8 बजे से तो कैसे देख रही हैं चुनाव को? अच्छी तो लग रही है। यानी रुपए से देखा तो आप क्या सोच करके वोट डाल दिख रहा है लोगों को यहाँ पर और यहाँ की बात की? तो आप छपनी तो हम लोग सोच के डाल रहे हैं और देखने वाली बात होगी कि समय 3 बजे तक का दिया गया है, 3 बजे तक वोटिंग होगी, तो इस दौरान क्या कुछ निकल कर सामने आता है और कितने प्रतिशत वोट होते हैं ये एक देखने वाली बात होगी। बहरहाल हमसे जुड़ने के लिए रुपेश बहुत बहुत शुक्रिया।